नमस्कार, निरोगी काया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वैद्य रामनिवास जी दाधीच। आप 1996 में सेवानिवृत्त हुए आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में और आयुर्वेद के वरिष्ठ आयुर्वेद आचार्य के रूप में आप चूरू जिले में जाने जाते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। नमस्कार। आज जो हमारा विषय है वो हमारे दर्शकों के लिए है कि सुबह से शाम तक जीवनचर्या, दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, सुबह से शाम तक क्या खान पान, कैसे खाना, कैसे पीना और रसोई का हमारा जो एक तालमेल है वो कैसा रहे, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि आयुर्वेद में साफ लिखा है इस संदर्भ में कि दिनचर्याम ऋतुचर्याम रात्रिचर्याम अथापिवा आदरण पुरुषो नित्यम स्वस्थ तिष्ठति सर्वदा। दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या, इनके ऊपर जो हमेशा चलता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और आयुर्वेद का मूल सिद्धांत स्वस्थ रहना ही है जी। तो स्वस्थ रहने के लिए जो है दिनचर्या हमारी प्रातःकाल से ही शुरू हो जाती है। तो प्रातःकाल जो है लिखा है साफ, उसे पानम प्रसस्यते। प्रातःकाल जो है उठते ही मुंह वगैरह धोकर के और जलपान करना चाहिए। जलपान करने से है आंतों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पेट साफ होने में मददगार होता है। अच्छा, जलपान कैसा करना चाहिए, कैसा जलपान, पानी कैसा होना चाहिए? पानी के लिए भी साफ लिखा है उसमें किंचित उष्णम। हाँ, थोड़ा गर्म, थोड़ा गर्म, ज्यादा गर्म नहीं, किंचित उष्णम, किंचित माने कुछ। तो थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए। ये बात है। और तांबे के पात्र का पानी अच्छा रहता है क्या? तांबे का पात्र का पानी बहुत ही सुंदर है। तांबे का जो है पात्र रात को भर के छोड़ो और वो पानी जो है आप पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसको ज्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तांबे के पात्र में रखा हुआ जल जो है वो गर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो नुकसानदेह होता है। तो इस हिसाब से वो जल पी सकते। अच्छा, तांबे के पात्र का पानी हमें सीधा ही पीना चाहिए, उसको गर्म नहीं करना। हाँ। जी। अच्छा, तांबे के पात्र को नीचे कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा रखना चाहिए या सीधा जमीन पे भी रखा हुआ पी सकते हैं? नीचे लकड़ी तो रखनी चाहिए जरूर, क्योंकि जमीन का स्पर्श होने से वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो लकड़ी का पटा रखो छोटा। जी, ठीक है। अब वो पानी के बाद में फिर क्या दिनचर्या रहनी चाहिए? पानी के बाद में ऐसा है कि मैं मेरे ऊपर ही ले लेता हूँ बच्चों के हिसाब से, ताकि बच्चे अनुकरण हमारा कर सकें। तो जल पीने के बाद में जो है थोड़ा बहुत घूमना चाहिए प्रातःकाल। घूमने से जो है मॉर्निंग वॉक हो जाता है और साथ साथ में ये प्रक्रिया आंतों की चलती रहती है और उसमें थोड़ा विलम्ब होता है किसी को, तो उसके लिए जो है पहले मंजन वगैरह कर लिया जाए। तो मंजन में आजकल कोई पेस्ट करते हैं, कोई दंत मंजन करते हैं, इस तरह से अपनी रुचि के अनुसार कर लेते हैं। और उसके बाद में जो है प्रक्रिया पेट की क्रिया सही होती है और मल विसर्जन हो जाता है। मल विसर्जन के बाद में जो है हमें योग करना चाहिए। योग है कर्मसु कौशलम, गीता में लिखा है भगवान ने कि योग है कर्मसु कौशलम, बच्चों को विशेष करके कि योग जो है वो कर्म के अंदर कुशलता देता है। तो जो भी योग जो है सिखाया जाता है पतंजलि के द्वारा या हमारे यहाँ लोकल हमारे योगाचार्य जी बैठे हैं, इनकी जगह जगह आती है, तो उसी हिसाब से योग किया जाए। और पेपरों में भी आता है, दैनिक भास्कर के साथ में कई वो मधुरी में आती है, उसमें भी कई बार आता है। तो वो योग करना चाहिए। योग करने से जो है बच्चों का स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। और योग करने के बाद में जो है फिर आप स्नान करना चाहिए। स्नान की प्रक्रिया जो है, सर्दी है तो सर्दी में थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, वो भी ज्यादा गर्म नहीं। उसके लिए भी विशेष विधान है, उस नाम मुनाद है काय से परिचय को बुलाव है। नीचे नीचे के शरीर के अंदर जो है गर्म पानी का सेक होता है वो, तो परिचय को बुलाव है, वो ताकत देता है पैरों को। और तेने में सोचता मांग से ये उत्तमांग है, इसको हम उत्तमांग कहते हैं सिर को। इसमें उत्तमांग में आंखें भी आ जाती है, कान भी आ जाते हैं, तो ये सब उत्तमांग है। तो इनमें जो है तेने में सोचता बल रहित केश चक्षु साम, और केश और चक्षु आंख की दोनों की हानि होती है इसमें गर्म पानी से। हाँ, गर्म पानी ऊपर डालने से। हाँ। तो मैं मेरी बताऊं आपको कि थोड़ा गुनगुना पानी लेता हूँ मैं, फिर भी सिर पर हाथ रख करके फिर पानी डालता हूँ मैं। अच्छा, सीधा गर्म पानी सिर के ऊपर नहीं डालना चाहिए, उसे आंखों की ज्योति कमजोर होती है और केश कमजोर होते हैं, केश की जो जड़े हैं वो कमजोर हो जाती है। अच्छा, तो मतलब हाथ यहाँ पर रख के और फिर उसके ऊपर अगर गर्म पानी भी डाले तो ऐसे डाले?
जी, तो उससे वो निकल जाता है, निकल सीधा गर्मी सिर के ऊपर नहीं आता जी। तो देखिए उपाय, ये अनुभव, छोटे छोटे अनुभव हैं नहाने के तरीके कैसे। अच्छा, पाँव पे गर्मियों में जैसे पाँव पे ठंडा पानी डालें या सिर से शुरुआत करें नहाने की? गर्मी के अंदर जो है ठंडा पानी जो है पहले पैर धो, पैर धो करके पैरों को धो आराम से और फिर सिर के ऊपर डालो, कोई दिक्कत। तो हमने सुना है कि वृद्ध व्यक्ति और जो थोड़ी बीमार है, जो बीमार होते हैं वो पैरों से शुरुआत करें, जो स्वस्थ है वो सिर से शुरुआत करें ठंडे पानी की। स्वस्थ के लिए ऐसा कि स्वस्थ तो चाहे जैसे ही स्नान कर सकता है, ऊपर से भी कर सकता है, नीचे पैरों से भी कर सकता है, लेकिन मैं मेरी बता रहा हूँ कि पैरों में पहले सिंचन हो जाता है और पैरों में सिंचन होने के बाद में पैरों में ताकत आती है और फिर उसके बाद में सिर में डालो तो सिर में फुर्ती आ जाएगी और सारे शरीर में फुर्ती आ जाएगी, फुर्ती रहेगी। ये नहाने का हो गया, इसके बाद क्या करें? नहाने के बाद में जो है वैसे तो बच्चों के लिए संस्कार देने की चीज बता रहा हूँ आपको जी, इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, नहाने में साबुन का प्रयोग या उससे पहले आपके आयुर्वेद के हिसाब से शरीर पे मलने के लिए किस चीज का उपयोग अच्छा रहता है? शरीर में मलने के लिए जो है उद्वर्तनम लिखा है साथ आयुर्वेद, उद्वर्तनम कफरम, उद्वर्तन माने मालिश करना, उबटन करना। तो सरसों का तेल जो है थोड़ा गुनगुना करके पानी गर्म करके और उसके पहले मालिश करो स्नान करने से पहले जी, और मालिश करने के बाद में जो है फिर आप स्नान करो, वो बहुत अच्छा रहेगा जी। और मलने के लिए जैसे मुल्तानी मिट्टी या साबुन, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, मुल्तानी मिट्टी सिर के ऊपर लगाओ और दही, दही से धो सिर को, दही से। साबुन तो जहाँ तक हो सके कम प्रयोग करना चाहिए, साबुन में तो आजकल कास्टिक सोडा और या कुछ ना कुछ मात्रा में मिला रहता है, वो नुकसानदेह आँखों के लिए। और ये दही जो है छाछ जो है, पहले हमारी पुरानी बूढ़ी माताएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं जो है वो दही से छाछ से सिर को धोया करते थे और उनके बाल बड़े मुलायम रहते थे, ये बात है जी। छाछ बहुत बढ़िया रहती है, दही बहुत बढ़िया है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद जैसे नहा लिए, नहाने के बाद में खान पान में सुबह सुबह नाश्ते में क्या होना चाहिए? खान पान के बाद में देखो, खान पान से पहले थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए विशेष संस्कार की बात आप बता देते जी। तत्काल तत्काल क्या करना चाहिए वो थोड़ा बताऊंगा जी, कि पहले जो है स्नान करने के बाद में तुरंत जो है अपने जो बुजुर्ग हैं, पितृसुर हैं, उनको नमन करना चाहिए जी। मेरे यहाँ आपको बाद में दिखाऊंगा जी, मेरे दादाजी हैं, पिताजी हैं, माँ जी है और सुशील की माँ भी है, पवन की माँ भी बैठी है यहाँ और उनको हाथ जोड़ के नमन करते हैं। नमन करने के बाद में फिर ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी का मंदिर अपने घर में होता है, रसोई में हो जैसे भी स्थान उपलब्ध होता जहां है, भी मंदिर हो तो उसमें जो है भगवान को, ठाकुर जी को दर्शन करो, नमन करो और महालक्ष्मी की मूर्ति होती है महालक्ष्मी को नमन करो, काशी विश्वनाथ की मूर्ति होती है उसमें दर्शन करो, भगवान धन्वंतरी की मूर्ति हम तो जरूर रखते हैं क्योंकि आप आयुर्वेद के जी जानकार हैं, इसलिए तो धन धन्वंतरी को नमस्कार करते हैं। इतना भगवान को और को सबको वंदन करने के बाद में जो है फिर बच्चों को जो है भोजन नाश्ता दिया जाए, तो नाश्ते में जो है हल्का फुल्का, आजकल ये ब्रेड वगैरह चलती है, बिस्कुट वगैरह चलते हैं, ये ठीक नहीं है, ये बच्चों के लिए हानिकारक है, आंतों को खराब करते हैं। ये दलिया दे, दलिया बहुत बढ़िया है, अगर दलिया पतंजलि वाला मिलता है तो सब धन होता है, वो सब तरह के धन मिले होते हैं उसमें, तो उनका दलिया बनाओ और ये अपना दलिया जो है चक्की से थोड़ा निकाल लो, आजकल आमतौर से सब घरों में चक्की है, तो दलिया बना करके और दलिया बना करके दे, हम भी दलिया लेते हैं दूध दलिया जी, तो दूध दलिया नाश्ता देगा बच्चे को, उससे उसको पुष्टता मिलेगी। एक दही रोटी भी सुबह खिलाने का बच्चे को विधान है, अगर है? दही रोटी सुबह भी खिलाए तो बढ़िया रहता है बच्चे के लिए। हाँ, दही के लिए कोई नुकसान नहीं है, ताकत आती है दही के लिए, तो ऐसा है कि दही दिन में कभी लो, कोई दिक्कत नहीं, सवेरे लो, दोपहर में लो, शाम काल तक लो, लेकिन रात में बनाइए। नक्तम दही बनजीत आयुर्वेद में साफ लिखा है, नक्तम माने रात्रि, रात्रि को दही नहीं खाए कि वो कब बढ़ाता है बीमारियां बढ़ाता है। नक्तम दही बनजीत है, नक्तम माने रात्रि, रात्रि को दही नहीं खाए, आगे खाते हैं अपने जी, खाने वाले तो खाते हैं। अच्छा, अब वो सुबह का नाश्ता हो गया, दही रोटी हो गया, दलिया हो गया, उसके बाद दोपहर में जैसे भोजन में क्या क्या खाना चाहिए एक आम स्वस्थ व्यक्ति को? दोपहर के भोजन का तो ये है कि कुछ तो अपनी अपनी रुचि होती है और
वैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये है कि हरी सब्जी जहाँ तक उपलब्ध हो, पालक की सब्जी है, धनिया है, ये चीज़ें मिला करके पालक की रोटी बनाओ, पालक और आलू की सब्जी बनाओ, पालक की टमाटर की सब्जी बनाओ, तो इससे तो पेट की क्रिया सही रहती है, आंतें सही रहती है, उसके साथ में हल्का फुल्का जो भी एक दो फुल्के आपको खाने वो खाओ। अच्छा, मोटे अनाज की रोटी खानी चाहिए, आटा मोटा होना चाहिए, महीन होना चाहिए? आटा मोटा होना चाहिए, आटा जितना महीन होगा ना वो उतना खराबी करेगा। और मोटा मैं क्यों, आटा तो छानना नहीं चाहिए, आजकल छानते सारणी के अंदर और इतना सड़स निकाल के भेज देते हैं पशुओं को, तो ठीक है पशुओं का पालन तो होता है लेकिन वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मोटा खाओ बगैर छाना हुआ, फाइबर रहता है उसमें, जिसको चौपट कहते हैं, चौपट, हाँ वो फाइबर रहता है, आंतों को साफ करेगा, साफ करेगा जी। अच्छा, जो शाम को 4-5 बजे चाय वगैरह लेते हैं उसकी जगह क्या लेना चाहिए या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? शाम को 3-4-5 बजे के करीब जो है चाय का समय आमतौर से होता ही है और सब चाय पीते ही हैं, लेकिन चाय के अंदर जो है ज़्यादा अकेली चाय नहीं पीनी चाहिए, सवेरे पीते हैं अपने बहुतों को आदत है, बैड टी पीते हैं, तो बैड टी भी अच्छी नहीं है, वो नुकसानदेह है, लेकिन आदत है इसलिए पीते हैं, मैं नहीं पीता। और शाम को जो है चाय के साथ में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ भी बनाओ, उपमा बना लो या और कोई व्यंजन बना लो, अनेक महिलाएं जो बना सकती है रसोई के अंदर, तो वो व्यंजन थोड़ा बहुत नाश्ता के रूप में लेकर के, खाली चाय नहीं लेनी, खाली चाय नहीं लेनी। अच्छा, चाय से पहले एक गिलास पानी भी पिया जा सकता है, पानी पेट हो जाए, पानी की जो बार बार में लिखा हुआ है आयुर्वेद के अंदर कि मुहर मुह बारी पिबेद भूरी, बार बार थोड़ा 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 जल पीते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जल पीते रहो। और उसमें भी साफ लिखा है अत्यंब पान अन्न पचते अन्नम, ज्यादा जल पीते हैं तो अन्न नहीं पचता है, ज्यादा जल भी खराब है, ज्यादा जल नहीं पीना, अत्यंब अति अम्ब अम्ब वाले जल, तो अत्यंब पाना अन्न पचते अन्नम, और निरम्ब पाना सही दोष है, बिल्कुल अम्ब नहीं पियेंगे तो कोई दोष है, कोई दोष पतन नहीं होगा, संतुलित होना चाहिए। तस्मात इसलिए क्या करना चाहिए, तस्मात नरो बन्नि विवर्धन आय, इस अग्नि को जठ अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मुहर मुह बारी पिबेत भूरी, बार बार जल पीना चाहिए, बार बार जल, और वो भी थोड़ा थोड़ा साफ कहता है ये, जी जी जी। तो इसका पालन मैं तो सिखाता हूँ बच्चों को, बच्चे मेरे थोड़ा जल पीते रहते सारे दिन, वो ज्यादा अच्छा है और शरीर को पाचन तंत्र मजबूत करता है, बिल्कुल। तो देखिए बढ़िया बात हमें बताई है, और शाम को जैसे चाय का भी कहा, तो अगर पीते भी हैं तो कुछ खाना चाहिए या पानी उससे पहले थोड़ा लेना चाहिए। अच्छा, अब जो रात का भोजन उसका समय क्या हो, मात्रा कितनी हो? रात्रि के भोजन की बात यह है कि रात्रि का कम से कम नाश्ता जो हम शाम को करते हैं उससे 4-5 घंटे का टाइम तो मिलना ही चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, 4-5 घंटे बाद में हम खाना खाओ, तो खाना खाएंगे तो उसमें क्या है कि हमें पालक की सब्जी ये वगैरह जो अभी मैंने बताई आपको, इनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, और पत्ता गोभी अच्छी है, दालें हैं, दाल की सब्जी बनाओ, कढ़ी बनाओ, कढ़ी में पालक डालो, तो ये तरल चीज़ें हो जाएगी साथ में, और साथ में एक सब्जी बन जाएगी पालक की टमाटर की, और उसमें धनिया डाल दो, स्वादिष्ट हो जाएगा। दाल का ये है कि रात को जो है हैवी दाल नहीं लेके हल्की पतली दाल लेनी चाहिए। हाँ, दाल पतली बनानी चाहिए, हैवी भारी नहीं बनानी चाहिए, भारी बहुत से लोग बनाते हैं भारी, लेकिन हल्की दाल बनानी चाहिए, और साथ में सब्जी, साथ में दाल थोड़ा मिला करके मिक्स करके, और फुलके दो फुलके, भोजन से आधा भोजन करना कम खाओ, जी जी, भोजन से आधा फुलका कम खाओ, जितनी इच्छा है हमारी 3 फुलके खाने की इच्छा ढाई खाओ, ज्यादा खाने से रात में दुख हो, दुख देगा, आंतें भारी हो जाएगी, और फिर कम खाओगे तो कम खा रहे, गम खाओ बहुत सही, शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा, एक चीज जैसे मैं और जानना चाह रहा था, हम लोग बताते भी हैं भोजन के बाद पानी पीना वैसे विष के समान माना जाता है, तो भोजन के बीच में कहीं मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा पानी अगर जरूरत हो तो पिया जा सकता है, वो पाचन को मजबूत करता है, क्या ऐसा है क्या? जल के लिए भी विधान है आयुर्वेद में कि पानी जो है बीच में थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, एक साथ में थोड़ा 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 सा करके 2-4 गिलास या 5 गिलास ले लिया,
एक घूंट, एक घूंट ले लिया। हाँ, एक घूंट ले लिया। इस तरह से ले हो, और उसके बाद में जो है भोजन के बाद में जो है एक घंटा से पहले जल में पानी नहीं पीना, नहीं पीना चाहिए। जी, तो ये हमारे नियम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सोने का विधान क्या टाइम रहेगा और दूध का क्या विधान है? सोने का विधान ये है कि भोजन करने के बाद में आयुर्वेद में साफ लिखा है, भ्रमण भुक्त्वा सत्पदं गच्छेत्। भोजन करके 100 पांव उड़ा दो, कम से कम घूमो, 100 कदम चलना चाहिए, 100 कदम चलना चाहिए। हमारी तो भगवान की दया से 100 बन गया, और सत्या माता की कृपा समझो। तो चौक के अंदर जो है हम 4 चक्कर लगाते हैं, सारे बच्चे लगाते हैं गली के अंदर, चौक में लगाते हैं, 100 कदम हो जाते हैं। हाँ, पैर भी गर्म हो जाते हैं और सोने का समय हो जाता है, और फिर घंटा आधी घंटा बीत जाती है। उसके बाद में दूध ले, भोजन के कम से कम एक घंटे बाद में जल पियो, जल पीने के एक घंटा पूर्ण घंटा बाद में जो है दूध ले, दूध लेना, और दूध पी के फिर सो जाओ। जी, अच्छा, दूध जो है वो मीठा कितना लेना चाहिए, गुनगुना लेना चाहिए, क्या प्रक्रिया रहे? मीठा ऐसा है कि जितना हो सके उतना चीनी कम लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए। मीठा अच्छा नहीं है, मैं सबको पता है, फीका दूध पीता हूँ मैं। जी, चीनी नहीं लेता मैं, इसलिए फीका दूध पीना चाहिए, और ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना 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 दूध पियो। जी, तो वैसे युवा के लिए जो है हल्की सी मिश्री डाली जा सकती है, हल्का हल्का मिश्री जो होती है ना, हल्का मीठा ले हो, हल्का मीठा लिया जा सकता है। बुजुर्ग को जो है वो मीठा थोड़ा सा कम लेना है, और लेना ही नहीं है, अच्छा तो ये रहे। तो ये पूरी सुबह से शाम तक की दिनचर्या, एक वैद्य जो कि बहुत सीनियर वैद्य यहाँ पर हमारे चूरू में है, आप 81 साल के हैं, और इस उम्र में भी इनकी आप जो करड़ है, वो हमारी भाषा में कहते हैं कि जो एक ताकत होती है, जो युवा वाला जो जोश होता है वो इनमें हमें देखने को मिला है। तो इस उम्र में युवा वाला जोश आम तौर पर देखने को कम मिलता है, और इस तरीके से अगर जीवनचर्या दिनचर्या जैसे ये बता रहे हैं वैसे अगर हम जी लें तो जरूर स्वस्थ होंगे। तो ऐसी जागरूकता फैलाने हेतु हम हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनके पास कुछ ज्ञान का भंडार है वो हम इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम वैद्य रामनिवास जी दाधीच के पास आए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और भी हम इनसे बातें करते रहेंगे, घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे। आगामी जो हमारा कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। आप दीजिए इजाज़त, भाऊजी प्रणाम करते हुए इजाज़त लेते हैं। तो अब मेरे साथी नरेश जी के साथ, मनोज स्वामी के साथ, मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।